एक और बड़ी खबर, तीसरी बड़ी खबर, राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के निवास का घेराव करने के लिए पहुंचे दिव्यांग। सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर खफा है दिव्यांग। कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। लंबे समय से चल रहा है दिव्यांगों का आंदोलन। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के निवास का घेराव करने पहुंचे दिव्यांग। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, तस्वीरों के साथ ये खबर पहुंचा रहे आप तक। तस्वीरें भी देखिए, सुनिए भी और ग्राफिक्स भी देखते रहिए, खबर बहुत आसानी से समझेंगे। लंबे समय से चल रहा है दिव्यांगों का आंदोलन। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के निवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, वहां पर पुलिस वाले भी हैं। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के निवास का घेराव करने पहुंचे दिव्यांग। सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर खफा है ये दिव्यांग। लंबे समय से इनका आंदोलन चल रहा है, मांगे मान ले सरकार, इसके लिए लगातार इन्होंने धरने प्रदर्शन भी किए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार से नाराजगी है क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है इनकी मांगों को। यहां पर सरकार की ओर से सुनने के लिए कोई सरकारी नुमाइंदा भी नहीं पहुंचा। तो देखिए, एक कतार में पहुंचे हैं ये राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के निवास स्थान का घेराव करने के लिए। जनाब अब तो सुन लीजिए हमारी ये अपील करने के लिए। भरत साबरी से जान लेते हैं मांगे क्या हैं इन दिव्यांगों की। सबसे पहले तो आप मांगे बता दीजिए, फिर बताइए कब से आंदोलन कर रहे हैं और ये भी कि सरकार क्यों नहीं सुन रही। भरत थोड़ा ऊंचा बोलना होगा, भरत की आवाज बढ़ा दीजिए, बोलिए जी। बिल्कुल, देखिए लगभग पहले सरकार दिव्यांगों से वादा किया था कि जो बैकलॉग है, जो खाली पद पड़े हैं सरकार में दिव्यांगों के लिए, तो उनको उस पर नौकरी दी जाएगी। और दूसरा, सरकार ने एक वादा किया था कि जो इनकी जो रिजर्वेशन है नौकरियों में वो 3% से बढ़ाकर 4% कर दी जाएगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है कि जो परिवहन की या दूसरी जो सुविधाएं हैं और जो पेंशन सुविधा है वो पहले 60% या 70% जो विकलांग होता था उसे ही दी जाती थी, और सरकार ने वादा किया था कि 40% के लगभग जो विकलांग होंगे उन्हें भी ये सुविधाएं दी जाएंगी। देखिए घोषणाएं हो गई, पर अभी जमीनी स्तर पर ये जो वादे सरकार ने किए थे, मंत्रियों ने किए थे, वो अब तक लागू नहीं हुए। उसको लेकर जो है हरियाणा भर के दिव्यांग जो है वो आज राज्य मंत्री कृष्ण बेदी से मिले हैं। बिल्कुल, क्या मुलाकात हो गई है राज्य मंत्री कृष्ण बेदी से, निवास स्थान का घेराव करने अभी जस्ट पहुंचे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, वो राज्य मंत्री कृष्ण बेदी से मिल चुके हैं। और अगर बात की जाए राज्य मंत्री ने उन्हें क्या जवाब दिया, तो राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने उन्हें कहा है कि वो यहाँ प्रदर्शन न करें, वो 4 या 5 आदमियों का डेलीगेशन बनाए और चंडीगढ़ उनके निवास स्थान पर आए, वहां पर बैठकर वो उनसे बात करेंगे और जो भी इस समस्या का हल होगा या जितना भी वो अपनी तरफ से कर सकते हैं वो उसे करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपडेट के लिए मैं जरूर लौटूंगी। आप अपनी पहली निगाह बनाए रखिए भरत, और तमाम दूसरे सुर्खियों के लिए भी लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।